नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। मैं हूँ आपके साथ प्रशांत और ध्रुव आज हमारे साथ हैं। हम दोनों को आपने अलग अलग वीडियो पोस्ट करते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम साथ में हैं और मुद्दा क्या है? मुद्दा एक सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी चल रहा है, शोएब अख्तर और दानिश कनेरिया। सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी अभी हमें ये देखने को मिल रही है पीसीबी के अंदर, यही देखने को मिल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा। तो आज हम दोनों इसलिए साथ में बैठे क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सी इतनी बड़ी है कि एक एक वीडियो पोस्ट करके हम बता नहीं पाएंगे। तो वी विल डिस्कस ऑन दैट। प्रशांत बताइए, स्टार्टिंग से हम सुनना चाहेंगे। जो लास्ट वीडियो प्रशांत ने पोस्ट करा था उसके अंदर भी बताया था बहुत कुछ, जो अब जो अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। प्रशांत आपको बताएंगे। प्रशांत देखिए, शोएब अख्तर ने जो बोला उससे तो वो पलट गए। उन्होंने बोला कि मैं लोगों की रिएक्शन देखना चाहता था। तो मैं तो ये बोलूंगा, शोएब आप 10 लोगों को पकड़ के ऐसे ही पूछ लेते, आपको इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी क्यों क्रिएट करना है जब आपको पता है कि क्या माहौल इंडिया में चल रहा है, क्या माहौल पाकिस्तान में चल रहा है। उसके बाद में दानिश कनेरिया आते हैं, वो बोलते हैं कि शोएब अख्तर को ऐसा लगा होगा। फिर वो रात को एक और वीडियो पोस्ट करते हैं, वो ये बोलते हैं कि मुझे पीसीबी ने कभी सपोर्ट ही नहीं किया। तो अगर शायद सपोर्ट नहीं करती पीसीबी या कुछ खिलाड़ी सपोर्ट नहीं करते तो शायद वो 10 साल क्रिकेट नहीं खेल पाते। उन्होंने बोला कि मैं एक दिन में 30-30, 40-40 ओवर डाले तो शायद क्रिकेटर का काम होता है मेरे हिसाब से। क्रिकेट के आंकड़े अलग बात है, प्रशांत को बखूबी याद है वो। एक आंकड़ा प्रशांत ने यूट्यूब का भी देखा, उसके बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, जब तक की कॉन्ट्रोवर्सी नहीं हुई थी 28 दिसंबर से पहले तो 7,000 सब्सक्राइबर थे दानिश कनेरिया के, सिर्फ 7,000 सब्सक्राइबर थे। वो शाम तक हो गए 53,000 और 29 तारीख की रात लगते लगते वो हो गए 1,00,000। और अभी हमने जो देखा है वो है 1,60,000 के आसपास, और वो बढ़ते जाएंगे, काउंटिंग होती जाएगी। दो उनके जो वीडियो हैं वो मिलियन क्रॉस कर चुके हैं, एक 5,00,000 से ऊपर, एक जो कल उन्होंने रात को डाला वो 2,00,000 से ऊपर है। और ये कल वाले उन्होंने वीडियो में कहा है कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं हर प्रधानमंत्री को बोलता था, मैं आईसीसी को लिखता था। खुद ने उसका जवाब दिया कि जब मैं आईसीसी को लिखता तो आईसीसी बोलती थी कि पीसीबी को आप बोलिए, जनरल बॉडी है वो। उसके बाद में उन्होंने बोला कि कहीं मैंने प्रधानमंत्री को गुहार लगाई, तो शायद एक प्रधानमंत्री हर एक खिलाड़ी की नहीं सुन सकता है, शायद इसलिए देश में क्रिकेट का बोर्ड बनाया जाता है और वो ही पीसीबी भारत के लिए बोलता है लेकिन अपने खिलाड़ियों की नहीं सुनता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो पीसीबी भारत के लिए बोलता है कि भारत अनसेफ है। तो सबसे पहले मैं पीसीबी को बता दूं कि शायद 2009 के बाद आपके यहां टूर करने कोई नहीं आया, श्रीलंका बहुत मुश्किल से आई है, बांग्लादेश से मना कर दिया, और आप फिर बोलते हैं कि भारत अनसेफ है, जावेद मियांदाद उल्टा सीधा बोलते हैं। तो पहले आप अपना स्ट्रक्चर सुधारिए। और देखिए, जहां तक दानिश कनेरिया की बात है, अगर वो इंसान अपनी गलती मानता है तो यही कहते हैं क्रिकेट में कि अपनी गलती मान लेनी चाहिए, और वही शायद मोहम्मद आमिर, शर्जिल खान सबने किया लेकिन मौका नहीं। लेकिन जो गलती दानिश कनेरिया की थी वो आमिर, जो मोहम्मद आमिर वगैरह उनके कंपैरिजन में बहुत कम थी। वो हाँ, जैसा कि दानिश कनेरिया ने हमको बताया कि उनको टॉक शो पे बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, पाकिस्तान में दानिश कनेरिया को नहीं बुलाया जाता, 10 साल से वो बेरोजगार रहे दानिश कनेरिया। तो ये कॉन्ट्रोवर्सी शोएब अख्तर ने इसलिए क्रिएट करी कि उनको रोजगार मिले, बिल्कुल क्या कह सकते हैं इस चीज को? बिल्कुल बिल्कुल, हम सबको पता है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कितने बड़बोले होते हैं, वो बोलते कुछ और है करते कुछ और है। और एक तरीके से लगता है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं वो शायद फिक्सिंग में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और जहां तक दानिश कनेरिया की बात करें तो उनका केस देखिए एकदम अलग था। उन्होंने खिलाड़ी को, साथी खिलाड़ी को उकसाया था, एसेक्स से वो क्रिकेट खेलते थे और उकसाया था साथी खिलाड़ी को फिक्सिंग करने के लिए, साथ ही साथ उन्होंने टीम में डिस्प्यूट करा था। तो मोहम्मद आमिर और इन सबका केस अलग है, सबने अपनी गलती मान ली, सब टीम में वापस आ चुके हैं। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। हम हमारी तरफ से ये कह सकते हैं, जो हमने आंखों देखा है कि 10 साल अगर कोई टीम को रिप्रेजेंट करता है। गुगली बॉलिंग डालते थे, 261 विकेट उनके नाम है काउंटीज में। उन्होंने 4-day मैच, 1-day मैच, T20 मैच के लिए हर टीम की उन्होंने जर्सी पहनी, भारत के खिलाफ सबसे अच्छा प्रदर्शन करा। वो बोलते थे कि मुझे रात में नींद नहीं आती, जब भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैचेस होते थे मैं विकेट लेता था और जिताया दानिश कनेरिया ने। मैंने तो उनको पर्सनली भी, मैं उनसे 2006 में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मिला था, तो एक बड़े सुलझे हुए इंसान थे। और देखिए, गलती हर किसी से होती है, लेकिन मेरा सवाल ये अभी भी यही है दानिश कनेरिया, शोएब अख्तर के लिए 10 साल में आप क्यों, 10 साल बाद क्यों जागे, 10 साल क्यों कहा थे? हाँ, क्यों शोएब अख्तर को 10 साल बाद याद आया कि साथी खिलाड़ी खाने के लिए ऐसे करते थे? 15 साल पुरानी वो बात बता रहे, 2004-05 की। तो ये चीज तो साफ होती है, 10 साल बाद दानिश कनेरिया या तो शोएब अख्तर को अप्रोच करा है, एंड आज हम देख सकते हैं जहाँ 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो जाए तो आदमी की अर्निंग क्या होगी। एक शोएब अख्तर ने एक बहुत बड़ा बयान ये भी दिया था कि टीम, हम जो हमारी जो पाकिस्तान टीम है उसको ग्राउंड पे नहीं तोड़ते थे, हम उसको ड्रेसिंग रूम में तोड़ते थे, ऐसा भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था। देखिए, टीम बनती है ड्रेसिंग रूम के अंदर, एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है प्लेयर्स के बीच में, और वहीं प्लेयर्स टीम को तोड़ते थे, पाकिस्तानी प्लेयर्स। उसके बारे में क्या कहेंगे आप, एक बार बताएंगे? देखिए, हर बोलते हैं कि टीम की विनिंग स्ट्रेटेजी ड्रेसिंग रूम से ही बनती है, और ड्रेसिंग रूम में माहौल अच्छा होता है तो ग्राउंड पे भी होता है, विराट कोहली भी ये बोलते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान अपने ड्रेसिंग रूम में जाना जाता है कि किसी प्लेयर को अगर बैक कर रहा हो तो वो एक ग्रुप होती है, क्रिकेट में हमेशा होती है एक लॉबी होती है, लॉबी आपको सेफ रखती है। और शायद उस वक्त ऐसा कोई स्पिनर होगा, लेग स्पिनर होगा, ऑफ स्पिनर होगा, जिसको दानिश कनेरिया पसंद नहीं आ रहे होंगे, वो ही चाहते होंगे कि वो पीछे हट जाए और मैं आगे आ जाऊं।
तो इस कारण भी ये हो सकता है। लेकिन अगर शोएब अख्तर ने ये करा है कि हिंदू होने के नाते उनको डिफेंड करा है, हिंदू क्रिश्चियन जो भी हो इंसानियत पहले वो शोएब अख्तर ने करा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन शोएब भाई पहले आप जागते तो बहुत अच्छा होता, दानिश कनेरिया कह रहे और लंबा चल जाता। और दानिश भाई अगर आप आईसीसी को छोड़ के पीसीबी को गुहार लगाते तो भी अच्छा चल जाता। आपने गुहार लगाइए, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी गेंदबाजी को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन शायद मैं ये कहूंगा देर कर दी, और ये बोलते दुर्घटना से देर भली, लेकिन आपने बहुत देर कर दी है। 10 साल का गैप बहुत होता है। आप कोचिंग दे सकते हो और अच्छे यूट्यूबर बन सकते हो। कैसे सब्सक्राइबर बढ़ाए, अच्छे यूट्यूबर बन चुके हैं, अच्छे यूट्यूबर। मैं आपको कोई कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा, लेकिन नया साल आने वाला है, नया साल में रेजोल्यूशन ले लो, सब बातें भूल जाओ और कभी इंडिया आओ, साथ में बैठते हैं, बात करते हैं। लेकिन शायद क्रिकेट कैरियर तो साइड में है, कोचिंग कैरियर आपका अच्छा चल सकता है। पीसीबी से आप वापस अप्रोच कीजिए। लगता है आप एक तरीके से देखा जाए तो आप अपनी जनता जो है, जो आपके फैंस हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। ये चीज है कि आप कभी कुछ बात अगर आप कोई चीज बोल रहे हो उस बात पे रहे, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन चलो अब जो हो गया वो हो गया, उस पर मिट्टी डालते हैं, और वो भी पाकिस्तान में मिट्टी डाले, इंडिया में तो कुछ हो नहीं रहा। हमारी टीम नंबर वन है, पूरे साल टॉप की परफॉर्मेंस की है, T20 टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट। एक दशक में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली है, सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले, 400 छक्के ज्यादा मारने वाले रोहित शर्मा है, बुमराह को हमने देखा, ईशान शर्मा, मोहम्मद शमी सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर है, अभी 2 बार विकेट तोड़े उन्होंने और धमाकेदार परफॉर्मेंस करी। तो एक तरफ भारत है और एक तरफ मुझे पाकिस्तान नहीं दिख रहा है। तो इस वीडियो में हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, रिस्पेक्ट ऑफ, हमारे यहाँ मुनाफ पटेल भी एक है, इरफान पठान भी एक है, मोहम्मद शमी भी एक है, और रोहित शर्मा भी एक है। हमारे यहाँ कोई कामरान अकमल नहीं जो कैच छोड़ता, हमारे पास में धोनी है जो कैच पकड़ता है। तो साल का ये आखिरी वीडियो था, और आगे भी आपको अच्छे अच्छे वीडियो। एक चीज और कहना चाहेंगे कि एक्चुअली क्या है ना कि सबसे ज्यादा अगर करप्टेड गेम माना जाता है वो क्रिकेट माना जाता है। हाँ। इतनी बुराइयां जुड़ चुकी है क्रिकेट के साथ, उसके बाद अगर आप ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज आएंगे तो अच्छा नहीं लगता। कहीं ना कहीं जो क्रिकेट फैंस है, जो फॉलो करते हैं, उनका मनोबल टूटता है। बिल्कुल। शोएब अख्तर के लिए कहना चाहेंगे, उनके फैंस यहाँ पे भी है, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से आप जाने चाहते हैं, सिर्फ वही नहीं इंडिया में भी आपके फैंस है, लेकिन ये जो हरकतें हैं ये सब जो है, या तो खुल के सामने आएंगे या फिर आप नहीं बोलिए, वो ज्यादा बेटर होगा। शोएब भाई आप बोलिंग सिखाओ, बोलिंग अच्छी सिखाते हो, बातें नहीं सिखाते। ठीक है, तो ये साल का आखिरी हमारा वीडियो था, अगले साल आपको ऐसी क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन देखते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो को आप पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो दानिश कनेरिया क्या, हमको आप तो हर क्रिकेटर का वीडियो दिखाएंगे, महिला क्रिकेटर, पुरुष क्रिकेटर, बच्चे सब, और सबसे बड़ी बात है ट्यूटोरियल जरूर लाएंगे। ये साल हमने बातन बॉल शुरू करा है और बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में शुरू करा है, और हमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है महीने से कम में, और ये आशा करते हैं कि रिस्पॉन्स ऐसे मिलता रहे। वीडियो में कभी कभी डिले होता है, तो अच्छी चीज आने में देर तो लगती ही है, और नेक्स्ट ईयर आपसे मिलते हैं, नेक्स्ट ईयर होने में थोड़ा ही समय है। तो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और क्रिसमस गया और संक्रांत भी आ रही है, मजे कीजिए, बातन बॉल देखिए, क्रिकेट की हर अपडेट देखिए, ध्रुव आपको देता रहेगा, मैं आपको देता रहूंगा। थैंक यू सो मच, चलिए देखते रहिए बातन बॉल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो, लाइकिंग अ वीडियो, शेयरिंग, यू गाइस आर शेयरिंग अ वीडियो, सब्सक्राइबिंग अ चैनल, इतना प्यार हमें एक महीने में मिला है। आगे भी हम वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे, ट्यूटोरियल्स देते रहेंगे, बस आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। थैंक यू।